एंड प्रोफेसर अलका मुद्गल जी को सुनना एज द गेस्ट द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट आई थिंक हैज द इवेंट हैज स्टार्टेड ऑन अ वेरी वेरी गुड नोट. बहुत अच्छा लगा उनसे रिपब्लिक के बारे में भी जानने को, समझने को, जिस तरीके से जितनी सौम्यता से प्यार से बच्चों को उन्होंने एड्रेस किया, उनको सुनना बहुत अच्छा लग रहा था. और मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हमारे सारे बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल संदीप दीक्षित जी, नवजीवन मॉडल स्कूल परिवार के जिससे जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सभी को रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 4-5 मिनट में संक्षिप्त में कुछ एक बातों को मैं दोहराना चाहूंगा, जो कि लगता है कि वही एक कोर पर्पस है रिपब्लिक डे को मनाने के लिए, कि हम कॉन्स्टेंटली हर साल अपने आप को ये रिमाइंडर देते रहें कि भाई हम मेरे लिए ये रिपब्लिक डे क्यों महत्वपूर्ण है, रिपब्लिक होना क्यों महत्वपूर्ण है. तो हम कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतंत्र बना. कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बन गया था फॉर 20, तो इसलिए हम संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को. उसके 2 महीने के बाद के प्रोसेस के बाद गणतंत्र बना और उस दिन से हमारा खुद का बनाया हुआ जो सिस्टम ढांचा था वो लागू हुआ. अब यहां सोचने की बात यह है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने ये पूरा डिबेट करके और 2 साल की मेहनत लगा के बनाया, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक मॉडर्न रिपब्लिक कंट्री होना है. उससे पहले हमें मालूम है कि हमारे देश में मोनार्की थी, राजा की प्रथा थी. अभी भी बहुत सारे देशों में है राजशाही है, कई जगह पे क्या बोलते हैं तानाशाही है, कई जगह पे एनार्किज्म है. लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर ने थे, जब उन्होंने सोचा कि पुरानी राजशाही के बाद हमारा ब्रिटिश के अंदर गवर्न रहे और उसके बाद अब हम एक नए आधुनिक भारत की कल्पना करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, और इसलिए एक गणतंत्र, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की व्यवस्था की, जो कि पहले भारत में नहीं थी. ऐसा नहीं था कि भारत डेमोक्रेटिक नहीं था, लेकिन उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम अलग था, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, राइट? तो उसकी तरफ हम आगे बढ़े. तो हमेशा से ध्यान रखे कि ये पूरी प्रक्रिया को, इंडिया को, इस भारत देश को, इसका संविधान प्राप्त करने में हजारों साल लगे. हजारों सालों के प्रोसेस के बाद फाइनली एक भारत देश एक आज के मॉडर्न तरीके का गणतंत्र बना, जिसमें हर व्यक्ति को अपना सरकार चुनने की आजादी है. पहले ये नहीं होता था, पहले राजा चुने चुनाए होते थे, या राजा ना भी हो, कोई और भी होगा तो वो चुना चुनाया होता था. मैंने खुद से डिक्लेयर कर लिया कि अब यहां से मैं रूलर हूं और मैंने अपना डिक्टेटरशिप जमा लिया. तो इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या था? जब मेन लॉजिक ये हुआ, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जब हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि नहीं, हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पे जन्मता है उसके कुछ मूलभूत अधिकार हैं, और उन अधिकारों के हिसाब से, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रैक्टिस योर ऑक्यूपेशन, राइट टू प्रैक्टिस योर फेथ, ये फंडामेंटल है, ये किसी का सब्जेक्टिव नहीं है. तो मेरा मानव अधिकार है कि मैं जन्मा हूं तो मैं, मुझे कोई और गवर्न नहीं कर सकता, मैं खुद को ही गवर्न करूंगा. हाँ, बहुत सारी चीजों में अब हर इंडिविजुअल अपने अपने को गवर्न करने लगे तो क्योस भी हो जाएगा, क्योंकि मैं कैसे अपने आप को गवर्न कर रहा हूँ, संदीप दीक्षित जी कैसे कर रहे हैं, अलका जी कैसे कर रही है, तो क्लैश होने लगेगा. और इसलिए एक
कॉमन सेट ऑफ रूल्स की ये गवर्नेंस का मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, ये एक कॉमन चीजें बनी। और इसलिए हमेशा हमेशा हमें अपने आप को रिमाइंड करते रहना होगा कि ये रिपब्लिक को लेने से पहले जो हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल हुआ, हजारों लाखों जिंदगियां गई, तब जाके हमें ये एक मॉडर्न रिपब्लिक डे मतलब रिपब्लिक मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और जिसका रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं। तो उन सारे लोगों ने, बल्कि जिन्होंने कि ये इसके लिए अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी और मर भी गए उस आजादी के लिए, खुद नहीं देख पाए वो आजादी जिसके लिए वो जिए और मरे, उनकी लड़ाइयों का परिणाम स्वरूप, उनके मेहनत का, उनके खून का फल हम खा रहे हैं, राइट? तो उनकी मेहनत का, जो उनके सपने देखे थे, उनको उन सपनों के हिसाब से हम आज जी रहे हैं। सो वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स। इन पूरा इंडिपेंडेंस डे का जो स्ट्रगल शुरू हुआ, उस प्रक्रिया में जो लोग, जितने लोग आए, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, किसी भी तरीके से जुड़े, और एक फाइनली बिल्ट अप हुआ कि नहीं, अब हम किसी और की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, हम खुद से अपने आप को रेगुलेट करेंगे, किसी और से के नहीं होंगे। और इसलिए मैं एक आपको एक की वर्ड, एटलीस्ट मेरे पूरे 5 मिनट के बाद से एक की वर्ड आप जो लेके जाना चाहें, तो वो मैं चाहूंगा एक शब्द जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सोवर्निटी, हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। तो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे क्या है, जब हम, मैम ने बात किया, प्रोफेसर अलका मुद्गल मैम ने बात किया प्रियम्बल का, प्रियम्बल कैसे शुरू होता है, वी द पीपल, हम लोग खुद से अपने आप को ये रूल बुक दे रहे हैं अपने आप को गवर्न करने के लिए। सो इट्स अ वेरी सेल्फ रेगुलेटरी सोसाइटी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे फंडामेंटल बिलीफ क्या है, दैट इंडिविजुअल इज सोवरन, एक इंडिविजुअल संप्रभुत अपने आप में एक होल है, वो उसको कोई और गवर्न नहीं करेगा, वो इंडिविजुअल अपने आप को खुद करेगा। हाँ, क्योंकि उसको गवर्न करने में, उसको समझने में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इसलिए ये रूल बुक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रूल बुक की, अच्छा उसका तरीका क्या होगा, ताकि हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो इंडिविजुअल्स आर सोवरन, इंडिविजुअल संप्रभुत्व है, एक में अपने आप में होल है। अब यहाँ पे लेकिन जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है, जिसको मेरे राइट को प्रोटेक्शन करना है, उसको भी तो राइट चाहिए। और इसीलिए स्टेट, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रियम्बल में भी देखेंगे तो सोवरन स्टेट की बात कही गई है, इसलिए वो संप्रभुता स्टेट यानी राज्य यानी देश यानी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दी गई है, लेकिन वो दी गई है इंडिविजुअल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेट इज सोवरन नॉट द अदरवाइज। तो एक ये मैं चाहूंगा कि इस चीज पे, एंड आई डोंट रियली वॉन्ट पीपल टू जस्ट फॉलो मी वट एवर आई एम सेइंग, बट एटलीस्ट आई वॉन्ट टू गिव सम फूड फॉर थॉट्स कि इसके अराउंड आप सोचना शुरू कीजिए एंड go with whatever you think is makes sense to you. That's the first thing. So mainly I wanted to highlight on the importance and idea of the republic. ki ye republic hona kyun zaruri hai, aur hum usko ek aaj chutti ya ek event ke taur pe na le, usko ahmiyat ko samjhe. dusra baat bolunga ki wo jo constitution bana uske piche kuch values hain, aur wo values kya hain, द की वैल्यूज वंस अगेन प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो सबसे पहला है, सबसे टॉप पे जस्टिस, न्याय, न्याय सबको मिलना चाहिए, लिबर्टी आजादी, सबका जन्मसिद्ध अधिकार है उसको प्रोटेक्ट होना चाहिए, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ सबको होना चाहिए, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड फ्रेटर्निटी भ्रातृत्व भाईचारा, सब में मेल जोल प्रेम से सबको ही रहे। इन वैल्यूज को अगर हम इम्बाइब कर लें, हम अपने आप में आत्मसात कर लें, तो जो तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन का, रिपब्लिक का जो मूल भावना है, वो हम सब में और हम सब के थ्रू
आपस में फैलेगा एंड और तभी एक पीसफुल, एक लविंग, एक जॉयफुल सोसाइटी हम क्रिएट कर पाएंगे, जो कि सपना था इस कॉन्स्टिट्यूशंस को मेकर का, जिन्होंने पहली बार भारत में रिपब्लिक की कल्पना की। और उस समय बहुत जो क्रिटिसिस थे उनको लग भी नहीं रहा था कि इंडिया विल सर्वाइव सच ए ह्यूज डेमोक्रेसी। सो इन दैट सेंस वी हैव डन अ ह्यूज ह्यूजली ग्रेट जॉब। 70 साल तक है और उम्मीद करते हैं कि हम, हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो रिपब्लिक है, वुड सर्वाइव द लॉन्गेस्ट इवन विथ इट्स ऑल हिकअप्स। एंड दैट इज वेयर आई शुड बी एंडिंग माई दिस स्मॉल एक्सटेम्पोर टॉक। थैंक यू वेरी वेरी मच संदीप दीक्षित जी और सभी जो जो नवजीवन मॉडल स्कूल परिवार के जुड़े हुए लोग हैं, बच्चे, शिक्षक, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, स्टाफ, आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक